हेलो स्टूडेंट्स, हम हिंदी पार्ट 3 जो है वो पढ़ रहे हैं वीर अभिमन्यु। अभी तक हमने पढ़ा कि अभिमन्यु जो है वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि युद्ध का क्या समाचार है। तो युधिष्ठिर जो बोलते हैं कि अभी तक तो हम जीत रहे थे, लेकिन आज जो है वो कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की है और अर्जुन जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो वो बोलते हैं कि आप इतना चिंता मत कीजिए और आप मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दे दीजिए। तो उन्हें बताते हैं कि उन्होंने जो है वो युद्ध की चक्रव्यूह तोड़ने की जो कला है वो अपनी माँ के गर्भ से ही सीखी। तो अब युधिष्ठिर ने अभिमन्यु से कहा, लेकिन तुम अभी बालक हो, हम तुम्हें लड़ाई में कैसे भेज सकते हैं। तो युधिष्ठिर जो है वो उन्होंने कहा कि अभी तो तुम छोटे बालक हो, हम तुम्हें अभी युद्ध में नहीं भेज सकते। अभिमन्यु जो है वो कहते हैं कि मैं एक वीर पुत्र हूँ और शत्रु जो है वो मुझे ललकारे और मैं बैठा रहूँ, ये कैसे हो सकता है। युधिष्ठिर करते भी क्या, उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। अब युधिष्ठिर के पास और कोई विकल्प नहीं था, तो उन्होंने अभिमन्यु को युद्ध में जाने की आज्ञा दे दी। अब चक्रव्यूह के द्वार पर गुरु द्रोण जो है वो खड़े थे। अभिमन्यु ने दूर से ही उनके चरणों में बाण छोड़कर प्रणाम किया और गुरु द्रोण जो है वो चक्रव्यूह के द्वार पर खड़े थे और अभिमन्यु ने अपने बाणों से उनको प्रणाम किया। और द्रोणाचार्य जो है वो समझ गए कि ये अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है। बाणों की बौछार करता हुआ अभिमन्यु जो है वो व्यूह के भीतर घुस गया। उसके पीछे जो है वो भीम और दूसरे पांडव भी घुस गए और भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों के समेत आकाश में फेंक दिया। अभिमन्यु जो है वो आगे चल रहा था, चक्रव्यूह तोड़ रहा था और भीम और दूसरे जो पांडव थे वो उसके पीछे चल रहे थे। और भीम ने द्रोणाचार्य के रथ को उठाकर घोड़ों के साथ ही आकाश में फेंक दिया और व्यूह में आगे घुस गया। व्यूह के अगले द्वार पर जयद्रथ था। अभिमन्यु का उससे घोर युद्ध हुआ, उसे हराकर अभिमन्यु भीतर घुस गया, परंतु भीम और दूसरे पांडवों को जयद्रथ ने व्यूह के भीतर न जाने दिया। तब व्यूह के अगले द्वार पर जो है वो जयद्रथ था और अभिमन्यु का उससे युद्ध हुआ, अभिमन्यु ने उसे हराया और उसे आगे जाने का मौका मिल गया, लेकिन भीम और जो दूसरे पांडव थे उसे जयद्रथ ने जो है वो रोक लिया। अभिमन्यु जो है वो बिल्कुल अकेला पड़ गया, लेकिन अकेले ही उसने सबसे युद्ध किया और वो सारे ही उसके जो बाण थे वो वर्षा की तरह कौरवों की सेना, हाथी, पैदल सैनिक उन सब पर गिरने लगे। वो जिस तरफ भी मुड़ जाता था उसी तरफ जो कौरव सेना जो थी वो एक तरीके से समाप्त हो जाती थी। और अभिमन्यु की वीरता को देखकर कौरवों में जो है खलबली मच गई। दुर्योधन जो है वो अंतिम द्वार, चक्रव्यूह के अंतिम द्वार को टूटने वाला ही देखकर उन्होंने अपने साथ जो महारथी थे उन्हें बुलाया और उन्हें कहा कि आप देख क्या रहे हो, आप सब एक साथ मिलकर इसे क्यों नहीं मारते हो। और ये सुनकर जो महारथी थे उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया और बाणों की वर्षा करने लगे। अब कहाँ पर सात महारथी और कहाँ पर अकेला अभिमन्यु। अभिमन्यु को जो सारथी था वो भी मारा गया और उसका जो धनुष था वो भी काट दिया गया। और जब उसके पास कोई भी हथियार नहीं था तो उसने रथ के पहिए को निकालकर शत्रुओं पर वार किया, लेकिन उसके जो रथ का पहिया था उसे भी काट दिया गया और वो दोबारा से निहत्था हो गया और बाणों से उसका जो शरीर था उसे छल्ली कर दिया गया। अभिमन्यु ने शत्रुओं को धिक्कारा और द्रोणाचार्य की ओर मुड़कर कहा, गुरुवर आपके रहते हुए यह कैसे लड़ाई हो रही है। तब अभिमन्यु ने जो है वो द्रोणाचार्य से पूछा कि आपके रहते हुए यह किस प्रकार की लड़ाई हो रही है जिसमें निहत्थे पर वार किया जा रहा है, आप कुछ कहते क्यों नहीं कि इसमें निहत्थे योद्धा पर वार हो रहा है और आप कुछ भी नहीं कह रहे हो। द्रोणाचार्य जो है वो कुछ कह नहीं सके, उनका जो सिर था वो नीचे हो गया और इतने में जो दुशासन के पुत्र था उसने अभिमन्यु के सिर पर गदा से वार किया और वो धरती पर गिर गए और दोबारा वो कभी भी नहीं उठे। युद्ध में अभिमन्यु की वीर गति हुई, और उन्हें हम उनके साहस, उनके शौर्य के कारण आज भी जानते हैं। सात महारथियों में घिरे होने के बाद भी वो विचलित नहीं हुए।
और उन्होंने युद्ध करने का निर्णय जो है वो छोड़ा नहीं, वो युद्ध करते रहे उनसे निरंतर। और उनकी वीरता की जो कहानी है वो आज भी हमें प्रेरणा देती है, आज भी हमारे हृदय में प्रेरणा देती है, हमें आज भी मुसीबतों से लड़ने और मुसीबतों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती है।